अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईद आबाद में जेर तरबियत लेडी पुलिस कांस्टेबल के 71 रुकनी बैच ने पेशा वराना अमूर के प्रैक्टिकल्स में माजी की पुलिस ट्रेनिंग के बेस्टर रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार बर्ती हासिल की है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं एसएम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली। जी जुल्फकार अली, आगाह कीजिए के हवाले से। जी बिल्कुल, चूड़ियां पहनने वाले नाजुक हाथों ने अपने फराज की अंजाम दही के लिए अब खतरनाक हथियारों को खिलौना बनाकर रख दिया है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ज़राए का कहना है कि सिंध की ज़ेरे तरबियत 71 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स के बैच से गुज़श्ता रोज़ पेशा वराना महारत का अमली मुज़ाहरा करवाया गया। असला खोलने और जोड़ने के प्रैक्टिकल में लेडी पुलिस एहलकारों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शौकत खटियान का कहना है कि लड़कियों ने नैनम पिस्तौल सिर्फ 6 सेकंड में खोलकर रिकॉर्ड कायम कर दिखाया, जबकि यही असला 10 सेकंड में जोड़ने का अमली मुजाहरा भी किया। लेडी अहलकारों ने कलाशनकोफ जैसा बड़ा खतरनाक हथियार महज 12 सेकंड में खोलकर रख दिया और इतने ही सेकंड में इसे जोड़ भी दिया। सब मशीन गन्ने खोलने जोड़ने में भी जेरे तरबियत लेडी अहलकारों के बैज ने सबको दिखाई। G3 और MP5 राइफल्स भी महारत से खोलने और जोड़ने का मुजाहरा पेश किया। शहीद पुलिस अफसर शहद आज़ाद खान के नाम से मंसूब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शौकत खटियान का कहना है कि उन्होंने जेरे तरबियत अहलकारों की अब तक ऐसी पेशा वराना महारत नहीं देखी। उन्होंने कहा कि कराची के 71 लेडीज अहलकारों का ये बैच महारत में सबसे आगे है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।